खबर उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ से है, जहां विधानमंडल दल की नेता एवं विधायक रामपुर खास आराधना मिश्रा मोना ने प्रेस वार्ता की और रामपुर खास विधानसभा क्षेत्र को करोड़ों की अति महत्वाकांक्षी सड़क परियोजना एवं बाबा घुईसरनाथ धाम में मुख्यमंत्री पर्यटन संवर्धन योजना से जुड़ी विकास योजनाओं की एक मुश्त सौगात सौंपी। आराधना मिश्रा मोना ने बताया कि उनके प्रस्ताव पर लालगंज एवं विकासखंड रामपुर संग्रामगढ़ के कई गांवों को जोड़ने वाली रायबरेली वाराणसी राष्ट्रीय राजमार्ग से लगभग 13 किलोमीटर लंबी वाया 18 करोड़ 68 लाख 38 हजार की लागत से सड़क परियोजना मंजूर होने की जानकारी दी। वहीं आराधना मिश्रा मोना ने दूसरे सड़क हाईवे के पैकेज का भी ऐलान करते हुए बताया कि सांगीपुर ब्लॉक के रीठी छोटेगंज कटेहटी लेबुड़ा शाहबरी भीकीपुर भैंसना लगभग 8 किलोमीटर की सड़क परियोजना 14 करोड़ 4 लाख 76 हजार की लागत से पूरी की जाएगी। इन दोनों सड़क योजनाओं को लेकर वे पिछले 4 वर्षों से लगातार संघर्ष कर रही हैं। अब इन सड़क परियोजनाओं से क्षेत्र के कई बड़े एवं उपेक्षित गाँव सुगम और अच्छे संपर्क मार्ग से जुड़ जाएंगे। 150 मीटर की लंबाई की ये शुरू होती थी रायबरेली वाराणसी राष्ट्रीय राजमार्ग 231 से रायपुर तियाई से धारूपुर लालगंज मार्ग तक वाया सराय जानमती रामपुर पावर हाउस पूरे शिवा वैश करण राय पूरे जोधा मन्ना का पुरवा कोटिला असरही सराय नारायण सिंह। ये सारे ऐसे महत्वपूर्ण आबादी के गांव थे जिनको ये राष्ट्रीय सड़क जोड़ती थी और बाबा गुरुसरनाथ का आशीर्वाद था, रामपुर खास की जनता का की ताकत थी कि ये सड़क जो 12.150 किलोमीटर की है और जिसकी लागत 18 करोड़ 68 लाख रुपए की है, ये सड़क स्वीकृत हो गई है जिसका जियो है। ये मेरे और माननीय प्रमोद तिवारी जी के प्रस्ताव पर स्वीकृत हुई। बता दें कि आराधना मिश्रा ने इन दोनों सड़क परियोजनाओं को विकास के रंग से रामपुर खास को होली की स्वयं और CWC मेंबर प्रमोद तिवारी की ओर से बड़ी सौगात करार दिया। क्षेत्रीय विधायक आराधना मिश्रा ने सड़क परियोजना के लिए प्रदेश के उप मुख्यमंत्री एवं लोक निर्माण मंत्री केशव प्रसाद मौर्य को स्वीकृति के लिए क्षेत्रीय जनता की ओर से धन्यवाद किया।